सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं करण और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, आयरिंग को लेके। मैंने एक वीडियो बनाया था आयरिंग पे, जो वीडियो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे और लोगों को उससे काफ़ी बेनिफिट हो रहे हैं। जिन लोगों को अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करना होता है, वो भी लाइव, जिनके पास समय की कमी होती है उनके लिए भी, और जो यूट्यूब पे लाइव आते हैं, फेसबुक पे लाइव आते हैं, इंस्टाग्राम या फिर अदरवाइज कहीं लाइव प्रोग्राम रिकॉर्ड करना होता है, या फिर आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसको आपको आप चाह रहे हैं कि मैं जिस तरह से बोलूँ तुरंत मेरे मोबाइल में अच्छी क्वालिटी के साथ रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए भी मैंने ये वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था और अच्छा वीडियो था, और उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने सवाल पूछे हैं, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं। हालांकि कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आप मुझे बताइए कि आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, मिक्सर में आप कौन सा मिक्सर यूज़ करते हैं, कौन सा माइक यूज़ करते हैं, क्या आप उसकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मिक्सर का जो आपने क्वेश्चन मुझे पूछा है, तो मैं जो मिक्सर यूज़ करता हूँ वो है इसका बेरिंजर का 1002 QX, ये लिखा हुआ है QX1002 है, और ये काफ़ी अच्छा मिक्सर है, यूएसबी मिक्सर है। आप यूएसबी मिक्सर परचेज कीजिए। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि क्या लैपटॉप ज़रूरी है, तो मैं कहूँगा अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके पास, जो रिकॉर्डिंग आ रही है मेरी, उसमें लैपटॉप का कोई काम नहीं है, सीधा मिक्सर से मोबाइल में जा रही है। लेकिन अगर आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं, विद म्यूजिक या कराओके के साथ गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल टू मोबाइल रिकॉर्ड तो हो जाएगा लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगी। अगर मान लो आप चाह रहे हैं कि भाई एक मोबाइल है आपके पास, उससे आप इसमें इनपुट कर दें और उसमें कराओके बजा सकते हैं या फिर कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, और माइक पे आप गा के सीधा दूसरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हालांकि हो जाएगा लेकिन वो अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ लोगों ने पूछा है कि क्या आयरिंग के साथ ये मिक्सर ही ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं और आप साउंड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई डीजे मशीन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्ट कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने अभी लगा रखा है आयरिंग, तो आयरिंग की जो पतली वाली पिन है अपने मोबाइल में लगाइए, ठीक है, और एक इनपुट दे रखा है उसमें गिटार का चिन्ह बना रखा है, वहाँ पर आप क्या कीजिए, जो मोटी वाली पिन होती है हमारी, जिसे 6.35 mm की पिन आती है, वो वाली उसमें लगा दीजिए। और मैंने जैसे ये आउटपुट जो निकलता है, इस आउटपुट को मैंने इसमें दे रखा है, आउटपुट मेरा यहाँ से जाता है और इनपुट हो रहा है आयरिंग में, और आयरिंग जो आउटपुट दे रहा है वो इनपुट हो रहा है मोबाइल में, और ये आवाज़ मेरी बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी में। कुछ लोगों ने मुझे यह कहा है कि कौन से मिक्सर में इफेक्ट बढ़िया होते हैं, तो इफेक्ट मेरे हिसाब से तो देखिए कि मैं मुझे लगता है कि भाई मिक्सर जो कंपनियां बनाती हैं तो वो इंपॉर्टेंट बनाती है, ऐसा नहीं है कि मिक्सर में काम चलाओ बना दिया है, तो सारे ही मिक्सर होते हैं उन सब में इफेक्ट होते हैं, और ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि डिले यूज़ करते हैं या नहीं आता है, डिले आता है या नहीं आता है, तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बेरिंजर का मिक्सर, इसमें डिले बढ़िया आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यामा का भी परचेज कर सकते हैं, बात यह है कि यामा का नाम ज़्यादा है इसलिए वो थोड़ा महंगा है, और बेरिंजर का नाम कम है इसलिए वो थोड़ा कम है, और स्टूडियो लेवल के हिसाब से चाहे तो बेरिंजर यामा दोनों ही बेस्ट हैं, आप कोई सा भी मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मैं कितने चैनल का मिक्सर यूज़ करूँ, तो आप कितने ही चैनल का यूज़ कर सकते हैं, आप एक चैनल का, दो चैनल का, पाँच चैनल का, जी जो आपको मिले, यानी कि पाँच छः चैनल, पाँच चैनल, चार चैनल, इस तरह भी आते हैं मिक्सर, और 10 चैनल के आते हैं, 12 के आते हैं, 16 के आते हैं, उसके अलावा आगे बढ़ते जाते हैं, तो आप कोई सा भी मिक्सर यूज़ कीजिए, उसमें जो काम होता है, चैनल का मतलब होता है कि आप इनपुट कितने डाल सकते हैं उसमें, आउटपुट कितने ले सकते हैं उससे, ठीक है। तो यही मेरा एक टॉपिक था, और इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो ओपन कैमरा की सेटिंग है वो इसी के साथ में, कि ओपन कैमरा की सेटिंग आपको कैसे करनी है वो भी आप इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको, ये डीले लगा के दिखा देता हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरा डीले आ रहा है, 1 मिनट, अभी मैंने ऑन नहीं किया है, मैंने ये डीले को सेट किया है 12 नंबर पे, और अब मैं मेरी आवाज़ के साथ में डिले यूज़ कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, तो आपको मेरी डिले वाली आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आप चाहें तो अपनी आवाज़ को हेडफोन के थ्रू खुद भी सुन सकते हैं, अगर मैं सुनना चाहूँगा तो मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे सकती है इधर से, इसमें जो एक बटन आते हैं वो सारे बटन की इन्फॉर्मेशन मैं अलग से दूंगा कि आपको कौन सी की यूज़ करनी है किस तरह से। तो जो 3-4 सवाल थे, सबसे पहले कि आप एम्पलीफायर कौन सा यूज़ करें, तो एम्पलीफायर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप ज़रूरी है या नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि लैपटॉप ज़रूरी है, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, और यूएसबी वाला मिक्सर आप लें, यूएसबी वाला मिक्सर लें आप ज़रूर लें, क्योंकि वो मिक्सर थोड़ा बढ़िया रहता है। और आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइव रिकॉर्डिंग हो और आपके पास एक DSLR है, तो DSLR से आप डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी आयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए केवल मिक्सर का आउटपुट उसमें डायरेक्टली इनपुट हो जाता है ऑक्स केबल के द्वारा। और कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि आयरिंग के साथ में एक ईयरफोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आयरिंग में ईयरफोन का कोई फंक्शन नहीं आता है, उसमें एक जो ईयरफोन का चेन बना रखा है
वो वहाँ से इनपुट निकल के मिक्सर में लगता है इनपुट में, तो उससे कि आप मान लो कि वीडियो चैटिंग कर रहे हैं और आप बात सुन रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, तो वो आपको दिखेगी। सॉरी मैंने अभी इफेक्ट डिले वगैरह लगा के छोड़ दिया, तो अब मेरी बिना डिले की आवाज़ आ रही है। तो आप इफेक्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग 100 इफेक्ट आते हैं इसमें बैरिंजर के साथ में। तो काफ़ी सवालों के क्लियर मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ बताए होंगे, अगर नहीं बताया हूँ तो आप कमेंट पूछिए मुझे, मैं आपको कमेंट में भी जवाब दूंगा, कोशिश करूँगा। मेरा प्रोफेशन जो है ये सिंगिंग है और सिंगिंग के ही वीडियो बनाता हूँ मैं, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो एक गाने की आवाज़ इसमें कैसे आ रही है वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। मदहोश दिल की धड़कन, छुप सी ये तन्हाई। मदहोश दिल की धड़कन, छुप सी ये तन्हाई। छुप गया आसमां, ला 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 ला। इसमें मैंने कम डिले का यूज़ किया है, मैंने इसमें थोड़ा कम डिले का यूज़ किया है। आप चाहे तो जितने ज़्यादा इफेक्ट लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट लगा सकते हैं। बस अर्थ ये है कि आपका यूएसबी कनेक्शन सही होना चाहिए और आपके पास जो केबल होती है वो केबल आप डुप्लीकेट केबल मत लीजिए 100-150 रुपये की, आप बढ़िया केबल लीजिए, क्योंकि केबल ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इनपुट आउटपुट को बेटर तरीके से पेश करती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी वीडियो में ये जो अगला पार्ट है ये आपको ओपन कैमरा से संबंधित है कि आपको ओपन कैमरा में सेटिंग क्या करनी है, तो ये आप ज़रूर देख लीजिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये डाउनलोड कैसे करना है। तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप ओपन कैमरा लिखेंगे ना, इसमें ओपन कैमरा ऐप ऊपर आ गया। तो जैसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला है, मैंने डाउनलोड कर रखा इसलिए आ गया, आप इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ से इंस्टॉल होने के बाद आप इसको खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। इसके बाद में आपके साथ में ऐसे कुछ पैराग्राफ आएंगे, तो आप ये साइड में जो लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शन निकल के आता है, सबसे ऊपर आता है फेस डिटेक्शन, इसको हमेशा ऑफ रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वो जूम आउट होता रहेगा, ठीक है। रिपीट मॉडल, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी रहने दीजिए। मोर कैमरा कंट्रोल, इसको आप एक बार देख लीजिए इसमें क्या क्या सेटिंग्स है, तो इसमें जो सेटिंग है वही रहने दीजिए। और ऑडियो कंट्रोल है, इसको भी आप जैसा रहने दीजिए, इसमें कोई कुछ छेड़खानी मत कीजिए आप। उसके बाद बैक जाइए और आप कैमरा प्रीव्यूज़ में जाइए, इसमें कुछ सेटिंग करनी है आपको। इसमें सेटिंग करनी है आपको यही है कि देखिए, इसमें नीचे आने के बाद में एक आता है कि आपका ऑडियो लेवल मीटर, देखो ये आ रहा है शो ऑडियो लेवल मीटर, इसको आप ऑन कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब इसको ऑन कर लोगे और आप जब रिकॉर्डिंग करोगे तो जो आप बोलोगे तो वो ऑडियो लेवल मीटर आपका सेटिंग वहाँ पे दिखाता रहेगा कि आपकी ऑडियो लेवल जो है कि गेन आ रहा है और इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है और वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। और बस इसमें इतना ही है। इसका करने के बाद आप फिर से बैक चले जाइए। उसके बाद आपको और कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, आपको यहाँ पे वीडियो सेटिंग में जाना है। वीडियो सेटिंग में जाने के बाद ऊपर थोड़ा फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट में आप इसमें डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, इसको जाइए, इसमें देख लीजिए कि आपका कोई ये 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, ये तो कुछ नहीं है ना, ये सिलेक्टेड तो नहीं है। अगर ये सिलेक्टेड होगा तो उतना ही वीडियो, जितनी इसमें ड्यूरेबिलिटी आपने सेट कर रखी है उतनी ही रिकॉर्ड होगी, उसके बाद में बंद हो जाएगी बीच में, तो आप कहेंगे कि यार ये पूरा रिकॉर्ड हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसमें अनलिमिटेड कर लीजिए और उसके बाद बैक चले जाइए। उसके बाद देख लीजिए कि आप मैक्सिमम फाइल साइज़ में चले जाइए, इसमें भी आप डिवाइस डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, नहीं तो आपकी जितनी MB का वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको आएगा रिकॉर्ड ऑडियो, इसको हमेशा अगर बंद है ये तो इसको ऑन कर दीजिए आप, ठीक है, इसको ऑन करना ज़रूरी है, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके नीचे आ रहा है ऑडियो सोर्स, तो आप ऑडियो सोर्स में आपको, मुझे लगता है कि कॉमकॉर्डर डिफ़ॉल्ट मिलेगा, तो आपको यहाँ पे करना है एक्सटर्नल माइक। कॉमकॉर्डर में मोबाइल अपनी रिकॉर्डिंग करेगा और एक्सटर्नल माइक में जो आपने आयरिंग के थ्रू आपका आवाज़ आ रहा है मोबाइल में वो शो करेगा, तो आपको ये करके रखना है। उसके बाद में इसको ओके करने के बाद में आप इसको बैक चले जाइए, उसके बाद में और कुछ नहीं करना है आपको, बस उसके बाद चले जाइए। एक सेटिंग और है, अब नीचे इसमें वीडियो सेटिंग में एक ऑप्शन आ रहा है फोर्स 4K USD वीडियो, तो ये क्या है कि कुछ डिवाइसेज में चलता है, तो आप इसमें क्या कीजिए, इसको बंद कर दीजिए,
फोर के रिकॉर्डिंग को, कि नहीं तो आपको लगेगा कि यार रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। अगर आपकी नहीं हो रही है, हो रही है तो ठीक बात है, नहीं हो रही है तो उसको बंद रखिए आप। उसके बाद आप बैक जाइए, बैक जाने के बाद आप इसको चालू कर देंगे। तो जैसे मैं एक बार एक वीडियो ऑन करके देखता हूँ, ये देखो, अब मैंने अभी ये वीडियो चलेगा नहीं इसमें, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर रखा है, तो इसकी वजह से वीडियो बनेगा नहीं इसमें, ये ओपन कैमरा चलेगा नहीं, क्योंकि एक मोबाइल डबल रिकॉर्डिंग लेगा नहीं विदाउट आयरिंग। तो आप जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ नीचे आपको एक ऑडियो लेवल मीटर शो होगा, और वो आपको बताता रहेगा कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है और आप मेरे गाने को लाइक करेंगे या फिर मेरे सिंगिंग को और मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे। आप शेयर भी करेंगे और मेरे गाने अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे गाने, मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल में मेरे गाने हैं, आप सुन सकते हैं। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छे फीडबैक देंगे और अच्छा सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी दिल करेगा कि हम एक और वीडियो बनाएं, एक और वीडियो बनाएं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाते रहेंगे, साथ में गाने भी अपलोड करते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सबका, फिर मिलते हैं।